हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं सीएनसी प्रोग्रामिंग ट्रेनिंग सेंटर यूट्यूब चैनल, जो कि हमारा लुधियाना में है। मल्टीटेक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं सीएनसी प्रोग्रामिंग के अंदर। लेकिन जो हमारा अभी जो एक पूरा टॉपिक चल रहा है वो प्रोग्रामिंग के ऊपर चल रहा है, जो उनकी ड्राइंग्स हैं उसके ऊपर चल रहा है कि उसकी प्रोग्रामिंग कैसे करनी है। सो जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, जो भी लोग चैनल के साथ प्रॉपर जुड़े हुए हैं काफ़ी टाइम से, तो पिछली जो वीडियो है उसमें हमने आपको इस ड्राइंग के बारे में बताया था कि इस ड्राइंग में आपने किस तरह से प्रोग्राम बनाना है, और इसको हम बोलते हैं स्टेप टेपर टर्निंग। अभी जो हमारे पास ड्राइंग है ये है मल्टी स्टेप टेपर टर्निंग, मतलब इसमें स्टेप ज़्यादा हैं, दो से भी ज़्यादा स्टेप हैं, इसमें टोटल 5 स्टेप हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, और स्टार्टिंग का अगर लगा दिया जाए तो 6 इसमें स्टेप हैं जो कि टेपर टर्निंग में काउंट होते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए इसका प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं बनाना। तो सबसे पहले हम प्रोग्रामिंग के सॉफ्टवेयर में जाते हैं और इसमें एक नंबर टाइप करते हैं, न्यू नंबर। उसके बाद जो कोड होते हैं, जनरल कोड, जिनको हम मिसलेस कोड भी बोल देते हैं, बेसिक कोड भी कह देते हैं, वो टाइप करेंगे G92S2500T0101G96S150M04, उसके बाद G00X81.93, उसके बाद Z2.M08, उसके बाद G73U1.R1. फिर G73P40QF0.02। सबसे पहली लाइन में हम लिखेंगे X0.Z0. उसके बाद X79.31Z-55.68। अगली लाइन में X52.87Z-92.37। अगली लाइन में X79.31, फिर उसके बाद अगली लाइन में X52.87, फिर Z-171.05। उसके बाद अगली लाइन में X79.31, फिर अगली लाइन में Z-212.99। उसके बाद अगली लाइन में हम इसको रैपिड ले लेंगे टूल को, G00X81.93, फिर Z2M09। कूलेंट को ऑफ कर दिया। उसके बाद लास्ट में टूल हमारा जहां से आया था उसी पोजीशन पे इसको वापस ले जाएंगे। फिर लास्ट में वही M05, हमारी जो स्पिंडल है, मोटर है, उसको लॉक करने का, स्टॉप करने का कोड, और बिल्कुल एंड में M30 प्रोग्रामिंग एंडिंग का कोड। अब ये हमारा जो प्रोग्राम है मल्टी स्टेप टेपर टर्निंग का प्रोग्राम बन चुका है। अब इस प्रोग्राम को हमने रन कैसे करना है, चला के कैसे देखना है, इसकी सिमुलेशन कैसे करनी है, वो आगे कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले जो क्यू की वैल्यू है उसको हम चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। तो क्यू की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे चेंज करके लिख देते हैं 65। अब इसको हम रन करके देखते हैं। अलार्म के साथ एरो ग्राफ वर्क पीस सेट करेंगे, तो जो टोटल वर्क पीस है एक बार आप देख भी सकते हो यहाँ पे 259.92, तो वर्क पीस की टोटल लेंथ है 259.92, और जो टोटल डायमीटर है 79.31, और जो हमारी वर्किंग लेंथ है, जो कटिंग लेंथ है टूल का, जो ट्रेवल लेंथ है वो है 212.99, हमारी यहाँ तक कटिंग हुई है। अब इसको हम रन करके देखते हैं, सिमुलेशन करके देखते हैं। सिमुलेशन रीसेट स्टार्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो वर्क पीस है वो कंपोनेंट में कन्वर्ट हो चुका है। इसका आप 3D व्यू भी देख सकते हो, ये देखिए इस तरह का हमारा पीस बन चुका है। अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो इस तरह का हमारा रॉ मटेरियल था। जब हमने इसकी प्रोग्रामिंग की, प्रोग्राम को रन किया, तो ये वाला रॉ मटेरियल हमारा कन्वर्ट होके इस तरह की पीस में कन्वर्ट हो गया। टूल का भी ध्यान देना होता है, हर चीज का ध्यान देना होता है, वर्क पीस कैसे सेट करना है, टूल कैसे लेना है, रॉ मटेरियल कैसे सेट करना है, वर्नियर माइक्रोमीटर कैसे चेक करने, बहुत सारी चीजें हैं। आने वाले टाइम में जो भी वीडियोज आती रहेंगी उनमें हर चीज आपकी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीजें आपकी क्लियर होती जाएंगी। सो ये थी हमारी आज की मल्टी स्टेप टेपर टर्निंग की प्रोग्रामिंग। कैसी आपको लगी ये प्रोग्रामिंग कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और आने वाले टाइम में
और भी अपडेशन के लिए या फिर अपने जो फ्रेंड सर्कल हैं उनमें भी इस वीडियो को हमारे चैनल को सर्कुलेट कीजिए, ताकि कोई भी स्टूडेंट किसी फेक इंस्टीट्यूट में फंस ना पाए। हमारा काम ये नहीं है कि जो भी स्टूडेंट हमारे पास आता है हम उसको ज्वाइन करवा लेंगे या वो हमारे पास ही ज्वाइन करे यहाँ पर फीस दे, नहीं। हमारे पास कोई भी स्टूडेंट आता है तो हम ये चाहते हैं कि हमारे जरिए उसको पता लग जाए कि प्रॉपर सिलेबस होता है क्या है। उसके बाद वो कहीं पर भी ज्वाइन करे तो वो उसकी मर्जी होती है, उसका टाइम है, पैसा उसका है, उसको वेस्ट करना या इन्वेस्ट करना वो उसका फैसला है। लेकिन उसको एक बार पता लगना चाहिए कि मैं वेस्ट कर रहा हूँ या फिर इन्वेस्ट कर रहा हूँ। सो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली और वीडियोज़ में बहुत सारी और भी चीज़ें आपकी क्लियर करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।